आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि आपको निजी तौर पे अगर हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे तो आप ही सरपंच थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। छोड़ो इसे, मुंह क्या लगते हो, चलो सरपंच से बात करते हैं। अच्छा क्या बताओ, तुम बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए समाज की सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। तुम कुछ और बनो, सोच के बताओ क्या बनोगे। तो मैं गांव का सरपंच बनता हूँ। सरपंच सुखदेव सिंह को इतना सताऊंगा जैसे उन्होंने आपको सताया। नहीं भैया, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें हरगिज नहीं करते। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाते हैं। अगर वो आदमी गलत है तो उसे सुधारते हैं, उसे सही राह दिखाते हैं। और जब वो आदमी जीवन में सही राह पर आ जाता है तो वही दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। ठीक है दीदी, अब मैं पढ़ूंगा और दूसरे क्षेत्र में जाऊंगा और वहाँ की समाज सेवा करूंगा। और वहाँ के समाज के बुरे लोगों को नहीं बल्कि उनके अंदर की बुराइयों को निकालने की कोशिश करूंगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब तुम घर जाओ, हमारे पापा वापस आ गए हैं ना। हाँ ठीक है, जाओ। ये चुनाव सिर्फ सरपंच बनने या बनाने के लिए नहीं है बल्कि जुल्म के खिलाफ सर उठाने की लड़ाई है, गरीबों के हक की लड़ाई। और ये लड़ाई किसी भी कीमत पे हमें जीतनी है। सरपंच के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है जो गांव वालों के सामने वोट के लिए झुकना पड़ रहा है मुझे। अभी तक इस डॉक्टरनी को एक औरत समझकर मैं समझाता रहा, मगर चुनाव के बाद ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, ये शहरी चिड़िया अंधेरे में ही गांव छोड़कर उड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर ये हमारा मकसद पूरा हो गया तो इस गांव की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता और लोगों के जीवन में खुशियां लाना ही तो मेरा लक्ष्य है। इस गांव की जनता पहली बार अपने सही मताधिकार का प्रयोग करेगी और ये जरूरी भी है क्योंकि आजाद भारत में आजाद रहने का हक तो सभी को है।
हरिया जैसे प्रतिद्वंदी को खड़ा करके मेरा अपमान किया है। अगर गांव वाले उस दिन नहीं बचाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज तक किसान अपने पुराने तरीके से पैदावार करते रहे हैं। अगर उन्हें अपनी पैदावार बढ़ानी हो तो उन्हें कौन से नए तरीके अपनाने चाहिए? किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए जो परंपरागत पद्धति है उनमें से जरा हट के पॉली हाउस की पद्धति है, उसमें से किसान को एक तो अपनी ही जमीन का, अपनी ही मिट्टी का पर्यवेक्षण करके, उसका स्टडी करके आप अपनी ही जमीन पर हर तरह नए पद्धति के पौधे लगा सकते हैं, उसमें से अपनी फसल बहुत बढ़िया आप कमा सकते हैं। और एक बात है, वो अपनी जो खर्चे का लागत आती है वो बातें जो है वो आपको सरकार या अपने एग्रीकल्चर कॉलेज से अपना मटेरियल या अपना मार्गदर्शन संबंधी पुस्तिकाएं आपको मिल सकती है। और अपनी ही मिट्टी का अपनी ही तरह पर्यवेक्षण करके, अपनी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है इसका वर्गीकरण करके आपको अपनी ही मिट्टी से बहुत बढ़िया फसल मिल सकती है। तीसरी बात रही अपने मौसम की, मौसम तो हर बार ऐसा बदलता रहता है, इसीलिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। रही चौथी बात उत्पादन की, ये उत्पादन पहले बरस में तो आएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये उत्पादन बहुत बढ़िया बढ़ेगा। पहले बरस में ये उत्पादन हालांकि 100, 200, 300, 500 तक बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे एक डेढ़ बरस के बाद ये उत्पादन 20 से 30 हज़ार प्रति वीक, प्रति सप्ताह बढ़ेगा। इसमें से आपको 50 से 60 हज़ार तक आमदनी मिल सकती है। दूसरा, आप ऐसे अपने ही पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये एक बात है। तीसरी एक बात है कि ये जो नई फसल है, अभी हम जो ये देख रहे हैं ये सब नई फसल है, ये नई फसल कैसे लगाई जा सकती है, इसमें से कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है, ये आपको हर एक दिन वो आपके जो काउंसलर्स रहते हैं, मार्गदर्शक रहते हैं, वो आपको आकर समझा देते हैं और उसी तरह से आपको करना है। कुछ अगर आपका दूसरा या तीसरा कोई करना नहीं है, आपको जो कुछ भी वो बताते हैं वैसे ही करना चाहिए और उसके से आपसे फसल की आमदनी बढ़ सकती है। अच्छा, आप बताएंगे कि अपनी फसल को बाजार में जाकर कैसे बेचना चाहिए? एक तो पहली बात है, अपने बाजार में जाते हुए आपको बाजार का ध्यान रखना चाहिए, बाजार में क्या कुछ किस प्रकार के भाव से मिलता है। फूलों के लिए भाव बहुत रहता है क्योंकि फूलों का खासकर ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, फूलों को आकर्षक
तरीके से पेश करते हैं लोग होटल में या सिनेमा घरों में या कुछ कुछ नए नए बड़े बड़े मकानों पे, कुछ शादियों में, पार्टियों में, इसीलिए फूलों का भाव आपको बहुत मिलता है। इसीलिए मार्केट में फूलों का जो रेट रहता है वो डीलर के पास, यानी कि जो आप मंडी में जाते हैं, मंडी में लोग डीलर रहते हैं, एजेंट रहते हैं, दलाल रहते हैं, खरीदार रहते हैं, हर एक को जाके आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता है। आपका जो फसल जो आएगा नए बरस में या कुछ नए आप जब चाहेंगी ये लगाओ, तो जब आएगी वो देखते ही लोग आपको पसंद करेंगे कि हाँ देखो ये अच्छी फसल है, ये भी इसको भी ट्राई करके, क्योंकि ये फसल दिखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है और इसका ध्यान बटोर लेती है। अतुल जी, फ्लोरिकल्चर का किसानों में इतना आकर्षण क्यों है? फ्लोरिकल्चर की पद्धति में आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, अपनी ही जमीन यानी कि मिट्टी का पर्यवेक्षण करके आपको अपनी जमीन से बहुत ही अच्छी फसल कैसे मिल सकती है, आपको घर बिठाए आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये करने का जो तरीका है, ये तरीका इतना बहुत ही सरल और सादा है कि ज़्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं पड़ता। जैसे कि आप खेत में जाकर खेत में कुछ बोए, उसमें से उस पर ध्यान रखे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहे बो सकते हैं, जब चाहे पानी डाल सकते हैं, जब चाहे उसको खाद देना तो वो भी आप उसको दे सकते हैं। में से मिट्टी बदलनी नहीं पड़ती, खाद नहीं बदलना पड़ता, सब कुछ है वो आपको बैठे बिठाए मिल जाता है। इसीलिए किसान ये पद्धति का बहुत अच्छी तरह से अभी इस्तेमाल कर चुके हैं। नमस्ते अतुल जी। बाबा को किसी तरह जमीन के लिए राजी कर लेना। अरे चिंता मत कर, ये काम जरूर होगा, मैं चलती हूँ। अरे आप आ गए। हाँ भाग्यवान, मैं तो आ गया, लेकिन ये मास्टर ने यहाँ पर क्यों आई थी? डॉक्टर दीदी गांव में अस्पताल बनाना चाहती है। हाँ। और सरकार ने इसके लिए अनुमति भी दे दी है और सरकार कुछ पैसों की मदद भी करने वाली है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, तो उसमें ये मास्टर ने क्या कर सकती है? नहीं, वो कह रहे थे कि अगर जमीन मिल जाती तो गाँव में हमारा अपना अस्पताल बन जाता और तब हमारे गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर शहर तक नहीं जाना पड़ेगा। समस्या सिर्फ जमीन की है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि। अच्छा, तो सोच भी सकती है? क्या सोचती थी तू? नहीं, मैं ये सोच रही थी। हाँ? कि हमारी वो रामू के खेत के पीछे जो जमीन है ना, खाली पड़ी है ना, तो क्यों ना उसमें से कुछ जमीन हम अस्पताल के लिए दे दे। अरे भाग्यवान, तुम समझा करो, जब पुड़ियों का धंधा बंद हो जाएगा तभी वही जमीन हमें खेतीबाड़ी में काम आएगी, वही हमारी रोजी रोटी बनेगी। मैंने तुम जमीन के बारे में सोचना बंद कर दो, समझी? देखिए, ये भलाई का काम है और हमारे पास कितनी सारी जमीन खाली पड़ी है, उसमें से थोड़ी सी जमीन अगर हम अस्पताल के लिए दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और फिर गाँव में अगर अस्पताल बन जाएगा तो गाँव के लोग आपको दुआएं देंगे और आपका नाम भी तो होगा। भाग्यवान, नाम तो तब होगा जब वो जमीन मेरे नाम पे होगी। अरे वो जमीन तो मुझे सरपंच जी ने दी है, लेकिन सिर्फ मुंह बोले, लिखित कार्यवाही कोई भी नहीं हुई है। मतलब हमारी सारी जमीन आपके नाम पर नहीं है? नहीं ना। इतने समझदार होते हुए भी इतनी बड़ी भूल आपने कैसे कर डाली? देखिए, आदमी को अपने मकान, मिल्कियत, जमीन, जायदाद के सारे कागजात सही रखने चाहिए, उसको सब अपने नाम करवा लेना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई उसे हड़प ना सके। अरे भाग्यवान, तू चूल्हा चौका करने वाली, तुझे इस बारे में कैसे पता चला? मैं जाती हूँ ना रोज निरंतर शिक्षा केंद्र में, वहाँ से सीखी हूँ ये सब। हाँ हाँ भाग्यवान, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जमीन सरपंच जी की है, अब उन्हें तो पूछना पड़ेगा ना, और वो क्या कहते हैं वो तो वही जाने। भगिया, ए भगिया। अच्छा बाजा, हाँ चला गया ये लड़का, परेशान हो गया हूं मैं, दिन भर भागता रहता है।
ये मेरे खानदान की नाक कटाके ही रहेगा। आ गया तू? भवानी के पास से आ रहा ना? जी। अरे क्यों जाता है उसके पास तू? कितनी बार और कैसे कैसे मना करूं तुझे? पागल हो जाऊंगा मैं। दीदी ने कहा था कि तेरी वो दीदी है ना भैया, वो इस गांव की बिन बुलाई मुसीबत है जिसे मैं खुद लेकर आया था। मुझे मालूम है ना वो सरपंच जी के खिलाफ है, फिर क्यों जाता है बार बार उसके पास? देख भैया, तेरे बाप की इस गांव में इज्जत है, तुझे मालूम है ना कि उसके ऑटो में जो भी बैठता है उसके पीछे बैठता है। मेरी ना करता है, तुझे मालूम है मेरा बाप क्या करता था? मालूम है तुझे? टांगा चलाता था वो। मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया है ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनके। मैं चाहता हूं तू मेरे से आगे बढ़े, लेकिन ये दीदी के पीछे पुड़िया लेके दौड़ेगा ना, वो गधे की तरह पुड़िया बांटता रह जाएगा जिंदगी भर। जाने कौन मनहूस घर में पैदा हुआ बापू। क्या बापू? एक साल के अंदर अपनी माँ को खा गया और अब मुझे खाएगा क्या? चल खाना खा। हम लोग खानदानी लोग हैं भगिया, बाप टांगा चलाया, मैं ऑटो। मैं चाहता हूं तू कुछ और बड़ी गाड़ी चला, लेकिन तू तो बस पुड़िया लेके घूमता रहता है। कंपाउंडर बनेगा क्या? और सुन, गमछा कहाँ है मेरा? भाग ले क्या? बाकी कपड़े भी धो दिए ना? सुन भगिया, मैं तेरा भला चाहता हूं, अपने बापू की नाक मत कटा तू, घर की चाबी है। मेरे आते तक घर की पूरी साफ सफाई करके रखना, ये भी तू खा ले। हुजूर, सरकार। आ ऑटो पाओ लागू। सरकार पाओ लागू। इस बार के पंचायती चुनाव में हरिया को सिर्फ 3 ही वोट मिलने वाले हैं हुजूर, एक हरिया का, एक उसकी बीवी का और तीसरा उस मास्टरनी कमला का। ये तो बताइए हुजूर, क्या आपने इस बार कौन सी चाल चली है जो गांव वालों के मन में लड्डू फूट रहे हैं? आटो, वो जो बंजर जमीन पड़ी है ना 15 एकड़, जीत जाएंगे तो वो हम गांव वालों के नाम कर देंगे। लेकिन सरकार, वो जमीन तो आप गुनी बाबा को देने वाले थे। आटो, शेर अपना शिकार गीदर को करने देता है क्या? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीतने के लिए छल बल और कल तीनों अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। हमने छल का एक बाण छोड़ दिया तो गांव वाले बौखला कर हमारी तरफ आ गए। मान गए सरकार, मान गए। आपको हराने वाला इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ। और हाँ, मुझे तो लगता है इस बार आपको एमपी का पर्चा भर ही देना चाहिए, फिर आप दिल्ली से बैठ के हुक्म करेंगे और मैं इस गांव में राज करूंगा। आटो, पिछली बार तुम्हें एक आटो खरीद के दिया था ना? जी सरकार। अब की बार 2 ले लेना, क्यों ये राजनीति में पढ़ना चाहते हो? मैं तो बस यूं ही। लेकिन सरकार, एक छोटी सी मुश्किल और। बोलो। मेरा वो लड़का है ना भगिया, उसे उस डॉक्टरनी के चंगुल से बचा लीजिए हुजूर।
वो लड़का मेरे हाथों से निकला जा रहा है। डॉक्टर, उस नागिन को तो ऐसे पटारा में बंद कर दूंगा कि जिंदगी भर बाहर की दुनिया देखने के लिए तड़पती रहेगी। बस जीत की खबर आ जाने दो ऑटो। भवानी, भवानी सरकार, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इस गांव की तकदीर बदलना चाहती हो कुछ मुर्दों के सहारे? गलत सुना है। मैं तो बस गरीबों को उनका हक दिलाना चाहती हूँ। इस गांव पर सबसे पहला हक मेरा बनता है क्योंकि मैं इस गांव का सरपंच हूँ, और इस गांव में आज तक किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है जो तुम कर रही हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा भवानी। काफी गलत फहमी है आपको। गरीबों पर जुल्म कर करके रूह मर चुकी है आपकी, अंधे हो गए आप। अंधी तो तुम हो गई हो जो शहर का शोर शराबा इस गांव में देखना चाहती हो। अब भी वक्त, चुपचाप शहर वापस लौट जाओ वरना 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 क्या कर लेंगे आप? जान से मार डालेंगे मुझे। जान से तो नहीं, पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला जरूर कम कर दूंगा। बाकी सब तुम देख लो। मेरा नाम है सुखदेव सिंह। मैं संतुष्टि गांव का पिछले 20 सालों से सरपंच बनते आ रहा हूं, क्योंकि जब से सरपंच का चुनाव शुरू हुआ है हमारे गांव में हमारे ही खानदान के लोग सरपंच बनते आ रहे हैं, और गांव वालों को इतना विश्वास है हमारे ऊपर कि हमें वो निर्विरोध चुन लेते हैं। अब गांव वालों का इतना प्यार मैं ठुकरा तो नहीं सकता, इसलिए मैंने गांव में बच्चों के लिए एक प्राथमिक पाठशाला भी खुलवा ली है और अध्यापिका रखा है अपने ही गांव की एक लड़की कमला को। वो पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते भी हैं। अब उनकी तकदीर वो कहां तक पढ़ पाते हैं वही जाने। मैंने गांव में कभी बड़ी सड़क की मांग नहीं की। अब गांव में किसी के पास गाड़ी तो है नहीं, बस एक ऑटो के पास ऑटो है, वो चला लेता है काम अपनी छोटी सी सड़क से। क्यों बेकार गांव की जमीन को सड़क में फंसाए? मैंने आज तक गांव में कोई अस्पताल भी नहीं बनवाया। अब गांव में सब लोग काम करते हैं, खेत मजदूर हैं, उनको कुछ नहीं होता, उन्हें कोई रोग नहीं होता, और जो छोटी मोटी बीमारी होती है उसके लिए तो हमारे वैद्य है ना गुनी बाबा, उसी से काम चल जाता है। और गांव की बीमारी तो गांव के वैद्य ही भगा सकते हैं, बाहर की डॉक्टर नहीं। अब गांव में बैंक होना चाहिए, तो गांव वालों के पास पैसा कहां है जो बैंक में रखेंगे? हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत उधार चाहिए, उसके लिए तो मैं हूं ना, बस थोड़ा बहुत ब्याज ले लेता हूं, पर वो भी मेरी मजबूरी है, ना लू तो चैन नहीं आता। और बाकी किस चीज की मांग करूं सरकार से? अरे भाई, मैं गांव का सरपंच हूं, गांव वालों की तरफ से सरकार के सामने झोली फैलाकर खड़ा रहने वाला भिखारी तो नहीं।
सबका सपना वो साकार कर देगी। मरुथल में जैसे गंगा आई है भवानी, पतझर में जैसे सावन आई है भवानी, कुछ करके दिखाने गांव में आई है भवानी, एक रोशनी।